पहन के दिन रात चिल्लर बन के घूमती रहती है। देख मैंने कैसे बड़े बड़े किलर्स पाल रखे हैं। ऐसे खतरनाक जानवर दिन रात मेरी ड्यूटी बजाती है, जिसकी बोलती हूँ बजा कर आते हैं। देखो कैसे फड़फड़ा रहा है। आज वो जो भी हो, नाग या नागिन, ये उसे पकड़ लेगा। नहीं, वो नहीं पकड़ा जाएगा। मैं तुम लोगों को उसे पकड़ने नहीं दूंगी। जा जल्दी जा, दरवाजे बंद कर करा। जा ना। हाँ। यामिनी और शेषा भी बाहर गई हैं। इस उल्लू को भी बाहर भेज देती हूँ, या तो ये उड़ जाएगा या बच्चे इसे मार देंगे। अरे ये उड़े या मरे मुझे क्या, बस रात को शिवांगी को ना पकड़े। देखो जी, मुझे नहीं ये उल्लू उल्लू मत बोला कर। एक तो तेरे सारा काम मैं करूं, तू मिस उल्लू है। मैगजीन भी संभाल के नहीं रख सकती, मिस उल्लू, तू उल्लू। उल्लू उल्लू वो तो उल्लू, उल्लू। फिर बोली, तू उल्लू की पट्टी देख उल्लू। हे शिव जी, उल्लू तो नाग का दुश्मन होता है, ये यहाँ कैसे? मुझे ठीक 7 बजे अपनी केचुली उतारनी है, उस वक्त मेरी शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी। उससे पहले ही मुझे मानसी से सच भी उगलवाना है कि वही 8वीं कातिल है, पर इस उल्लू से कैसे बचूं? भाई! मोटे, तेरा ये उल्लू बाहर कैसे आया? अरे हाँ, अरे ये उल्लू घर में कैसे आया? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम अंदर जाओ, मैं संभालता हूँ, जल्दी। मोटी सुन, तू अंदर जा और उसका पंख उठा और जाके तेरे शिशु के पास रख दे। ठीक है, और हाँ 7 बजे तक अपने शिशु के पास से मिलना मत। जाओ चल जो। जाओ ना, उल्लू चला गया, जाओ। रॉकी के सामने नागिन रूप में भी नहीं आ सकती। ये रुचिका संभल के। बड़ी माँ, सॉरी मैं यहीं सो गया। सोया नहीं, नशा, भांग का नशा। लगता है कल रात की तेरी अभी तक उतरी नहीं। ए, कहाँ जा रहा है तू? हाँ? जब तक तू पूरी तरह होश में नहीं आ जाता ना, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। तू बाहर जाकर फिर से कोई तबाही मचाई तो नहीं, 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 नहीं। तू एक काम कर,
जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा ना, तू मेरी नजरों के सामने ही रहेगा। नहीं बड़ी माँ, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू मेरी बात सुनेगा, जा जाके बैठ जा। उल्लू को भागा के भी कुछ फायदा नहीं हुआ, शिवांगी तो अभी भी खतरा है। जहरीले लेप से थोड़ी देर के लिए मानसी के होश उड़ जाएंगे, वो पूरी तरह मेरे वश में हो जाएगी, फिर मैं उसके मुंह से सच उगलवा के उसे मार दूंगी। 7 बजने से पहले मार दूंगी, 7 बजे मेरी केचुली बदलने का वक्त हो जाएगा। क्या हुआ रॉकी? पता नहीं, वो लगता है उल्लू को भगाते वक्त थोड़ा क्रैम्प से आ गया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं मानसी बुआ के कमरे में जा रही थी, उनके पैर में चोट लगी है तो तुझे ये लेप लगा दो। एक काम करो, ये लेप थोड़ा यहाँ भी लगा दो ना, बहुत पेन हो रहा है यहाँ पे। नहीं, चोट तो ये लेप लगाने से लगेगी। अब रॉकी ऐसे कैसे, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम जाओ चेंज कर लो, फिर तसल्ली से लगाती हूँ। फिर चले, मेरे कहने का मतलब है कि कितनी फिक्र है तुम्हें सब घर वालों की, यही फिक्र मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, देख लेगा। आज मैं मेरे एक और दुश्मन को मार दूंगी, आज मेरा एक और इंतकाम पूरा हो जाएगा। शिवांगी, मुझे तुझसे एक बात करनी है। अभी नहीं गौतम, मैं मुझे बहुत जरूरी काम करना है, बाद में। हाँ हे भगवान, सारे मुसीबतों के पहाड़ मेरे परिवार पर ही टूटने थे क्या? पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मेरे परिवार को। एक नागिन की नजर, इस नजर में आज भी कैद है मेरी माँ की कातिलों के चेहरे। उनमें से एक कातिल तू है मानसी, आज तेरी मौत आई है। 7 बज गए, मेरी केचुली उतरने वाली है, मुझे मुझे जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। यही प्रार्थना करती हूँ भगवान, सब कुछ ठीक कर देना बस। बज गए, 7 बज गए, अब उस बाकी 12 बजेगी। मेरी केंचुली उतरने वाली है, तू जा, वो पुत्र का वो पार्टनर, वो भी अपनी केंचुली बदलने वाला होगा, तू जाके उसे देख। ठीक है। रुक, क्या हुआ? अपने इस उल्लू को साथ ले जा, वरना ही मुझे ही मार देगा। ए उल्लू, उल्लू चल उठ, चल मेरे साथ, जब देखो एक ही जगह देखता रहता, चल। अरे शिवांगी, क्या हुआ? चाची चाची, ये मेरी केचुली बदलने का समय है, मुझे घर से बाहर जाना है। नहीं नहीं शिवांगी, मेन डोर की तरफ से बिल्कुल मत जाना, यामिनी वहीं पे खड़ी है, और वो उल्लू जो यहाँ घूम रहा था वो भी यामिनी का ही लाया हुआ है। शायद शेषन ने यामिनी को बता दिया कि आज केचुली बदलने का दिन है, आज वो लोग मुझे पकड़ सकते हैं। मैं अपने कमरे में भी नहीं बदल सकती, रॉकी वहाँ है, और किसी और का कमरा सुरक्षित नहीं है, मैं क्या करूं? अब तुम एक काम करो, तुम छत पे क्यों नहीं चली जाती, वहां कोई नहीं आएगा। पर कोई आ गया तो? अब क्या करें, और कोई जगह भी तो नहीं है ना। ठीक है, वहीं जाती हूँ। हाँ चाची, हाँ थैंक यू, आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। अरे शिवांगी, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही था, तुम कातिलों को मार क्यों रही हो, तुम्हारा साथ तो देना ही था मुझे, है ना? थैंक यू। मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा साथ दे रही हो शिवांगी, तुम तो जानती भी नहीं कि तुम्हारे ही हाथों में उन सबकी जान ले लूंगी, और फिर नागमनी। तुम शिवांगी को कुछ बताने वाली थी ना?
वो मैं शिवांगी को ही बोल दूंगी। हाँ निधि चाची ने तो कहा था कि 5 बजे तक आ जाएंगे पर अब तक नहीं आए। चाची आप अकेली आई हैं? यामिनी नहीं आई आपके साथ? तुम तपस्विनी बनने के लिए तैयार हो ना? जी चलो फिर। महातपस्विनी देखिए मैंने आपके पूजा के लिए कितनी तैयारियां करके रखी हैं। हवन है, पूजा है, अच्छा मुहूर्त है, अच्छा दिन है और अभी वो बलि का बकरा वो भी अभी आता ही होगा। चाची पर ये सब किस लिए? किस लिए? यामिनी को नहीं जानती तू? बड़ी शातिर है वो, आंख के लपटे गिन लेती है और पानी की धार नाप लेती है वो। मेरे बाबा नहीं, मैं नहीं चाहती उसे जरा भी शक हो, इसलिए मैंने ये सारी तैयारियां करके रखी है। पर ये सब आपने कब? मैं तो इतनी देर से बाहर आपका इंतजार कर रही थी। अगर आप अंदर आई तो आप मुझे दिखी क्यों नहीं? शॉर्टकट। मैं उन्हीं को दिखती हूँ जिनको मैं दिखना चाहती हूँ। मैं जानती थी ना कि तुम यहाँ मेरा वेट कर रही हो। यामिनी की मौत बन के आई हो तो मैंने सोचा मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? समझ में नहीं आता किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है चाची, आशा करती हूँ किसी दिन मैं भी आपके काम आ सकूं। तुम बस अपना काम करो, इन तीनों को मार दो, यामिनी शेषा और मानसी। तुम्हारा काम मेरा काम, तुम्हारा बदला मेरा बदला, तुम्हारे कातिल मेरे कातिल। मेरा मतलब है कि वो तो मुझे भी मार सकते हैं ना, इन कातिलों का कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से पूजा में बैठो और ऐसी एक्टिंग करो जैसे कोई तुम जप तप कर रही हो, है ना? वो यामिनी अभी आती होगी, तुम्हारा तपस्विनी वाला रूप ले लो जल्दी से। आप चिंता मत कीजिए चाची, यामिनी जब यहाँ आएगी तो उसे मेरा तपस्विनी रूप ही दिखेगा। एक ऐसी तपस्विनी जो अपनी माँ के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए तप कर रही है, उनकी मौत का हवन कर रही है। ठीक है मैं जाके छुप जाती हूँ। नागिन हूँ। जब मुझे वो अपने नागिन रूप में देखेगी तो कुछ ऐसे ही चौंक उठेगी। सिर्फ चौंकेगी नहीं, ऊपर से नीचे तक कांप उठेगी। दिखने में मोटी है वो, सिर्फ एक नंबर की डरपोक है, अंदर से खोखली है। उसे भी ना मौत से बहुत डर लगता है। जानती, इसीलिए उसे इस तरह से अपने नागपाश में जकड़ लूंगी। पकड़ लेना पकड़ लेना, उसे ना घोट देना। शिवांगी तूने मुझे क्यों जकड़ा हुआ है? मेरा दम घुट रहा है। चाची आज मैं अपनी माँ की एक और कातिल को मार रही हूँ ना, तो बस देख रही थी, सोच रही थी कि उसे कैसे मारूंगी, कितने टुकड़े करूंगी, किस तरह तर पाऊंगी। बहुत तर पाऊंगी मैं उसे, उसी तरह जैसे उन लोगों ने मेरी मां को तर पाया। देखिए ना चाची, नाकिन जब मौत बनकर टूटती है तो कैसा लगता है। कुछ ऐसा ही होता है उनकी मौत का नजारा, कुछ ऐसा ही होता है उसका इंतकाल।
तुम हो शिवांगी, बहुत हो गई प्रैक्टिस। हाँ मेरे ना अंजर पंजर ढीले हो रहे हैं, तुम ये सारी प्रैक्टिस ना यामिनी पे कर लेना, अभी बस आती होगी वो। यामिनी अब तक नहीं आई, वो आएगी भी नहीं। आएगी, मैंने उसे बुलाया है, वो आएगी, वो आएगी। वो नहीं आएगी। तूने जिसे यहाँ आने का न्योता भेजा है वो यामिनी नहीं, तेरी मौत थी। हा? एक नागिन थी, मैं थी वो। कातिल पूछ रही है कि उसके कत्ल का सामान क्यों लिया। सुना नहीं मैंने क्या कहा? एक कातिल चाहे कितने भी पर्दों के पीछे क्यों ना छुपे, उसकी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। कायनात का यही दस्तूर है, दर्द के बदले दर्द, मौत के बदले मौत। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैंने वो आप वो नहीं है, वो तो मानसी बुआ थी, आपने तो कुछ किया ही नहीं। झूठ! वो मानसी बुआ नहीं, तू थी। मेरी माँ की आठवीं कातिल तू है, तू। नहीं। उस लाल जैकेट में कोई और नहीं, तू ही थी। नहीं। वो तू ही थी जिसने हमारी शादी में रॉकी का रूप लिया, उसकी शेरवानी पहनी, उसके सहरे में अपना चेहरा छुपाया। जिसने रॉकी बनकर मेरी मां की भेंट में छुड़ा घोपा। मेरी मां की आठवीं कातिल तू है, पर तू तो उन कातिलों में से एक थी ना, उनकी साथी थी ना, तू तो जानती थी कि मैं उन्हें एक एक करके मार रही हूं। पर जब मेरा असली चेहरा तेरे सामने आया, तूने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं, उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो इच्छाधारी नागिन जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ? बता! वो मैंने सोचा, मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथों सबको मरवा के फिर वो नागमनी हासिल करके फिर शिवांगी को भी मार दूंगी। यही ना, बहुत राज दफन करके रखे तूने अपने अंदर, पर आज मैं तेरे राज, तेरा ढोंग, नागमणि पाने का लालच सबको खत्म कर दूंगी। आज मैं अपनी मां के आठवें कातिल को मार दूंगी। मूर्ख, इतना भी नहीं जानती कि एक नागिन गोलियों से नहीं मरती? एक नागिन का शहर इन गोलियों के आगे कुछ भी नहीं। जानती हूँ इसका असर तेरे पे कुछ नहीं होगा, तेरे पे तो कोई असर नहीं होगा, कि वो मामूली इंसान है ना, उस पे तो होगा ना, वो देख उस मासूम पे, हाँ देख देख ऊपर अपने पीछे क्या है, देख। गौतमी, नहीं, ये कोई डब्लू बब्लू बाबा नहीं, कोई ज्ञानी बाबा है, मुझे सतर्क रहना होगा। अजीब घर है,
इंसानों के बीच शैतान, शैतानों के बीच इंसान। बाबा जी छोड़िए ना, वो क्या है ना, आप तो महान हैं, वैसे गलती इंसान से ही तो होती है। अब समझो हो गई, छोड़िए ना। छोड़ दो? हाँ। मैं छोड़ू ना छोड़ू, ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। बाबा जी वो क्या है ना, देखिए अब बुरे कर्म ना आपने किए ना मैंने किए हैं, अब जिस बला को पकड़ने यहाँ आए हैं उस पे फोकस कीजिए। हरिओम। अब तेरा खेल खत्म, अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाए। परिमा रॉकी बेटा, वो बाबा तुम्हें कहाँ मिला? वो तो पुरुष है ही नहीं, मेरा मतलब है सिद्ध पुरुष है। जी बड़ी माँ, वो बहुत ही सिद्ध बाबा है। हाँ। पता, जब मैं मार्केट गया था वहाँ पे एक सांप ने मुझे पकड़ लिया। हाँ बड़ी माँ, मैं उसे पकड़ने गया, उसे मारने गया, उसे पहले ही बाबा ने पकड़ लिया, उसे मार दिया। मुझे तो ऐसे लगा कि बाबा ने उसे अपने वश में कर लिया, तभी मैं समझ गया ये बाबा बहुत ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं, महासिद्ध है। वैसे उन्होंने कोई सिद्धि वाली बात बताई तुम्हें? बताई ना बड़ी माँ। हाँ? हमारे घर में जो नाग छिपा है ना, बहुत जल्दी उसे पकड़ लूंगा मैं। वो कैसे? उन्होंने मुझे कुछ चीज दी है, उस चीज का सामना अगर वो नाग आ जाए तो उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। बड़ी माँ। हाँ? ये बड़ी माँ, ये है वो जादुई आईना, इस आईने के सामने उस नाक का असली चेहरा आ जाएगा। अब ये आईना बताएगा सबकी असलियत, कौन इंसान है और कौन नाग। अगर ये आईना इतना ही शक्तिशाली है तो ऐसे और 10 बना दो, पूरे घर पे लगा दो, वो नाग जिस भी बिल में छिपा होगा सामने आ जाएगा। अरे ओ काली नागिन, सबसे पहले तू ही सामने आ जाएगी, मत बोल। Not a bad idea. Actually, मैं भी रोमिल से कहता हूँ इस आईने का 10 टुकड़े करवा दे। मैं भी तो देखूं ये नाग अपना चेहरा कब तक छिपाता है। परिमा मैं अभी आया। काली नागिन तू क्या पागल हो गई है? एक आईने के सामने तेरी ब्लैक मनी बाहर आ गई थी, अब 10 आईने ये लगवाएगा तो रॉकी तुझ पे इनकम टैक्स रेड मार देगा। ए और एक्टिंग की दुकान, तू क्या सोच रही है, मैं होलसेल का माल हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो हर किसी को दिखूं। यामिनी अब सिर्फ तेरी एक ही असिस्टेंट बची है, ये भी नरकवासी होने जा रही है, फिर भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता क्योंकि इसके अकाउंट में तेरे कर्मों का हिस्सा बहुत ही खराब है, क्या करूं? रोमिल ऐसे टाइप के 8-10 मिरर्स बनवा दे, उन पे ये भभूति लगानी है। क्यों? बाबा जी ने कहा है। बाबा जी ने कहा है तो रॉकी फिर ये शुभ ही होगा, अब मैं ना इसका लाभ किसी और के साथ नहीं बांटूंगी, मैं अभी आई हूं। शिवांगी कहाँ थी तू? सॉरी रॉकी, वो घर में इतना कुछ चल रहा था ना तो गौतमी बहुत बेचैन हो गई थी, बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि वो
दिल्ली में अपने दोस्त के घर जाकर रहे। मैंने भी सोचा चलो अच्छा ही है, कुछ दिन बाहर जाकर रहेगी तो उसका मूड भी चेंज हो जाएगा। अभी अभी उसे एयरपोर्ट छोड़कर आ रही हूँ। मुझे कहते थे मैं छोड़ देता। तुमसे कहने ही वाली थी, पर एटलीस्ट वो तो सेफ रहेगी। हाँ, सेफ है, अब उसे कभी कोई खतरा नहीं होगा। अरे दिल्ली कौन सी दूर, तुम तो ऐसे इमोशनल हो रही हो जैसे कि तुम्हारी बहन दिल्ली तो गई है ना। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जा, जितनी प्लानिंग करनी है कर ले, क्योंकि आज के बाद प्लानिंग करने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। क्या करने आया था वो बाबा यहाँ, किससे पूछूं? रॉकी से डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकता, उसे शक हो जाएगा। चैन आए मेरे दिल को, दुआ दीजिए। क्या बाबा जी, वो जो बाबा जी आए हैं उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया है जिससे वो इच्छाधारी नाग या नागिन जो इस घर में छिपा है वो सबके सामने आ जाएगा। इसी ने तुम्हारे दिल का चैन उड़ा दिया है। इच्छाधारी नाग या नागिन भला मेरा चैन क्यों छीनेंगे? और मैंने तो सुना है कि इच्छाधारी नाग नागिन सिर्फ उन्हें ही चोट पहुंचाते हैं जिन्होंने उसे क्या उनके किसी अपने को चोट पहुंचाई हो। Really? Oh, तुम तो बहुत कुछ जानते हो इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में। कैसे? वो ऐसे कि तू खुद एक इच्छाधारी नागिन है और जिस दिन तेरा असली रूप रॉकी के सामने आएगा सोच वो कैसे तुझे मार गिराएगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो मेरे दुश्मनों को मार गिराने में मेरा साथ देगा। मेरी माँ गौतमी और रुद्र के दो कातिल अब भी जिंदा है, मेरे सामने है। शिवांगी, आज वो सांप जो भी है सबके सामने आ जाएगा। आज मेरा रॉकी, तुम्हारा रॉकी उसे पिटारे में बंद करने का। उसने बहुत लोगों को मारा है इस घर में और मारने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। सजा सिर्फ रॉकी देगा और मैं उसका साथ दूंगी, आखिर मैं उसकी दोस्त। हाँ, इतना अच्छा दोस्त कि चोट उसे लगती है और जान तुम्हारी निकल जाती है, है ना रुचिका? हाँ शिवांगी, दोस्ती की तो निभानी तो पड़ेगी। जान देकर या फिर लेकर? जान उसकी जाएगी जो इस घर में सांप बन के घूम रहा है। आज उसका असली रूप सबके सामने आ जाएगा, रॉकी के भी सामने आ जाएगा, फिर वो भी खत्म, उसका धोखा भी खत्म। हाँ, धोखे की कहानियों का अक्सर यही अंजाम होता है। तुम टेंशन मत लो, आज आज उसका खेल खत्म। हाँ यामिनी, अब तुम दोनों का खेल खत्म ही समझो। शिवांगी बेटा, नीचे सब बहुत टेंशन में है, जाओ जाकर संभालो उन्हें। जी। अरे ओ काली नागिन, तेरे अंदर से ये काला धुआं निकलना कब बंद होगा रे? क्यों बिना नहाए धोए उस शिवांगी के पीछे पड़ी है? अब शिवांगी नागिन है या नहीं ये तो दूर की बात है, लेकिन उससे पहले तेरा ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट सबके सामने आ जाएगा, आईने के सामने। नहीं आएगा मोटी। क्यों, कैसे? ऐसे। मैंने अपनी सारी शक्तियां इस पेंडेंट में डाल दी है, अब मैं कुछ देर के लिए एक साधारण इंसान हूं।